पब्लिक से या ऑनलाइन किसी तरह का डोनेशन मिला है? हाँ जरूर, हमारे ऊपर जो है अभी मतलब सीबीआई जांच बैठ चुके हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है किशन और आप देख रहे हैं अपना उड। दोस्तों गोपालगंज के बरौली प्रखंड के बेलसण गांव से एक बड़ी खबर, हमेशा आप यूट्यूब पे देखते रहते होंगे, नया नया अपडेट आता रहता होगा बिहार हेलीकॉप्टर के नाम से। मैं उसी जगह आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आने के वजह से पहुंच चुका हूं और आपको आज दिखाऊंगा कि बिहार हेलीकॉप्टर का क्या अपडेट है और इसके निर्माता जो हैं अमरजीत पासवान जी, वो क्या कुछ कर रहे हैं इसमें नया। तो मिलवाते हैं आपको अमरजीत पासवान से। दोस्तों अभी आपके सामने हैं अमरजीत पासवान जी और इन्होंने इस हेलीकॉप्टर की शुरुआत की है, क्या कुछ कहते हैं अमरजीत पासवान जी। स्वागत है अमरजीत जी आपका। जी नमस्कार। हमारे व्यूअर्स तो आपकी बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं जी, लेकिन हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि आज हेलीकॉप्टर का कहीं ना कहीं रंगाई पुताई आपने शुरू कर दिया था, अभी हेलीकॉप्टर की क्या स्थिति है? जी अभी मतलब अच्छा चल रहा है स्थिति, जो है जिस तरह मतलब पैसा वैसा होता है भैया लोग देते हैं उसी तरह हम काम कर रहे हैं, मगर जो अब क्या इंजन का मतलब हमारा 60% काम हो चुका है और 40% बाकी है, जो भी बहुत जल्द हो जाएगा। इसी वीडियो में जब आपकी नकारात्मकता को दिखाया जाता है तो कैसा फील आता है आपको? जी देखिए हमें तो बहुत मतलब अच्छा फील आता है और आना चाहिए, हर एक देशवासियों को आना चाहिए कि जो हम एक अनपढ़ होकर हेलीकॉप्टर बना सकते हैं तो क्या आप लोग पढ़े लिखे हैं? क्या आप लोग मोटरसाइकिल साइकिल क्या नहीं बना सकते हैं? ज़रूर बनाना चाहिए, आप लोग को भी बनाना चाहिए। अमरजीत पासवान जो है जी गोपालगंज के बरौली प्रखंड के बेलसण गांव से रहने वाले हैं जी, आज हेलीकॉप्टर बनाते हैं, इससे पहले अमरजीत पासवान क्या करते थे? जी इससे पहले हम सर एक मतलब डीजल मैकेनिकल हैं और स्टील फिटर भी हैं हम। कहाँ पे नौकरी करते थे आप? जी हम आसाम में काम करते थे, डीजल मैकेनिकल का। आसाम में करते थे। अमरजीत पासवान ने अपने हेलीकॉप्टर बनाने की बात जब घर में कही तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? जी देखिए उस टाइम तो मतलब जब हम विदेश से आया और हमने कहा कि पापा हमें हेलीकॉप्टर बनाना है तो उन्होंने घबरा गया कि भाई इतना हम लोग गरीब आदमी हैं, इतना रुपया लाएगी कहाँ से तुम? तो हम बोला कैसे भी करेंगे मगर बनाएंगे तो बनाएंगे, हम जीत ठान लिया। तो उस टाइम मैंने हमारे जो पापा जी हैं वो दो थप्पड़ मुझे मारे भी थे, तो फिर भी मैं अपने जीत पे अड़े रहें। तो हम भैया लोग से बोले कि भैया लोग हमें हेलीकॉप्टर बनाना है और हमें पैसा चाहिए। तो बोला तो हम पहले शुरू से मतलब ये सब लाइन का हम बहुत फास्ट आदमी हैं, तो हमारे जो बड़े भैया हैं जो सरबजीत भैया है उन्होंने पैसा दिया, हम छोटा बनाया हेलीकॉप्टर, उसमें 3 से 4 से 5 दिन टाइम लगा, 5 kg के हेलीकॉप्टर बनाया और उसको उड़ाकर दिखाया अपने घर वालों को। ये कब की बात है जब आपने एक छोटा हेलीकॉप्टर बनाया और उड़ा करके दिखाया? जी देखिए मतलब ये अपना लॉकडाउन होने से, लॉकडाउन मतलब जब फरवरी में हुआ ना लॉकडाउन, 8 दिन फरवरी नहीं मार्च में हुआ, मार्च में हाँ, तो मार्च में यानी कि हम 8 तारीख को उनको दिखाए थे। आपने अब तक जितनी भी तैयारी की है आपको अपना हेलीकॉप्टर बनाने में अब तक कितना खर्च आया है पब्लिक जानना चाहेगी? जी अभी तक कितना रुपया से 4-5 महीना पहले मतलब यही जो हमने तो लगभग यही 12-13 लाख रुपया था, मगर उस टाइम से कितना लग रहा है वो अभी तक हम काउंटिंग नहीं किए हैं, क्योंकि जब काउंटिंग करना एक बार सोचा था तो हमारा माइंड जो है डिस्टर्ब होने लगा, तो हम बोला कि नहीं पैसा बेकार है, पैसा को हम मतलब काउंटिंग नहीं करेंगे, चाहे जितना भी लगे हमको लगाना है, इसको सक्सेस करना है तो करना है। अब तक कितना पैसा लगा चुके हैं? जी सर अभी तक काउंटिंग नहीं किए हैं हम। अंदाजन भी हम बता सकते हैं, हम देखे भी नहीं, ये सोचिए कि आज से 4-5 महीना जो हमने इंटरव्यू दिया था तो उस टाइम में 12-13 लाख रुपया था, उसके बाद से हम हिसाब किताब सब बंद कर दिए। दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि अभी अमरजीत पासवान ने ये बताया कि अब तक 12-13 लाख तक की मैं सिर्फ गिनती किया हूँ इस हेलीकॉप्टर को बनाने में, आगे का खर्चा मैंने अब तक जोड़ करके नहीं रखा है, वो ज़्यादा भी हो सकता है। अमरजीत जी अब तक आपने जितनी भी तैयारी की है, जितना भी काम किया है, आपके क्षेत्र के स्थानीय पदाधिकारियों का कोई सपोर्ट या स्थानीय नेताओं का सपोर्ट आपको मिला है? जी अभी तक तो कोई सपोर्ट नहीं मिला हमारे। हेलीकॉप्टर आपने बनाया है जी, उड़ाने के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी जी, जी अधिकारियों का क्या कहना है? जी अधिकारी मतलब जो अपना अधिकारी लोग है वो लोग बोले हैं कि हम लोग मतलब साथ हैं, है ना, DM साहब से बात भी हुआ था तो उन लोग बोला कि ठीक है आप लोग काम कीजिए, हम लोग साथ में हैं। क्या लगता है परमिशन मिल जाएगी? जी अब हेलीकॉप्टर बना रहे हैं तो परमिशन तो ज़रूर मिलना चाहिए। अगर प्रशासन परमिशन नहीं देता है तो अमरजीत पासवान क्या करेंगे?
नहीं दे रहे हैं मतलब अपना जो प्रशासन मतलब हमें मतलब परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो इसका भी उपाय है हमारे पास, बहुत सारे उपाय हैं। क्या करेंगे उसके बाद? नहीं, अभी नहीं बताएंगे। जब अमरजीत पासवान ने इतना बड़ा काम शुरू कर दिया है, गांव वाले देखते हैं, सुनते हैं, गांव वालों का क्या रिएक्शन होता है? नहीं, बहुत अच्छा है, गांव वाले हमसे बहुत खुश हैं। यहां पर कुछ लोग हैं या ये आपके गांव से हैं या कहीं दूर से आए हैं, बता सकते हैं? ये मतलब गांव से हमारे नहीं है। अच्छा अच्छा, हम यहां बात करते हैं कुछ स्थानीय लोगों से, ये लोग क्या कहते हैं? आपका क्या नाम है? गति राय। कहां से आए हैं आप? माझा से। माझा से, आपके बगल के गांव बेलसड़ से एक लड़का अमरजीत पासवान जो है, उन्होंने हेलीकॉप्टर बनाने का काम किया है, कैसा आप लगता है आपको, कैसा लगता है देख करके? पहले पहले हम आए हैं। आपको हेलीकॉप्टर देख के कैसा महसूस? बहुत अच्छा। इस लड़के को सरकार से अगर मदद नहीं मिलती है तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो दुख होगा। आपको अब तक पब्लिक से या ऑनलाइन किसी तरह का डोनेशन मिला है? हाँ जरूर, बहुत सारे आदमी जो है, कम से कम 100-150 आदमी जो है हमें डोनेट किए हैं लोग। लोगों का कहना है कि अमरजीत पासवान को लाखों रुपए डोनेशन मिल रहे हैं, अमरजीत पासवान क्या कहेंगे? जी देखिए, हम यही कहेंगे कि जो हमें मतलब लाखों रुपया नहीं मिला है, मुश्किल से 10-12 हज़ार रुपया मिला होगा, इससे ज़्यादा पैसा नहीं मिला। जी नहीं, इससे ज़्यादा। एक बार अमरजीत पासवान खुद से बताएं कि हेलीकॉप्टर में वर्तमान स्थिति क्या है और हेलीकॉप्टर किस तरह से अभी तैयारी में किस स्तर तक पहुंचा है। जी देखिए, ये तो बहुत सारे वीडियो में आप लोग देख लिए होंगे, ये सब का जो अंदर का काम चल रहा है, है ना, जो इसको अब स्टॉप कर रखे हैं हम, इसमें थोड़ा एक बार यहाँ अंदर दिखाएंगे। ये वही हेलीकॉप्टर है जो पहले कलर नहीं हुआ था, अभी अमरजीत पासवान जी ने इसको कलर कर दिया है और काफ़ी अच्छी तैयारी, अंदर से भी काफ़ी नीट एंड क्लीन बनाया है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसका इंजन अमरजीत जी किधर? इनका इंजन को काम चल रहा है, चालू है, वो इंजन वाला ही है, दिखाइए साहब। ये जो अपना डोर है, ये हाँ। इंजन का डोर है, तो इसमें मतलब इसके अंदर इंजन है। जी, तो इंजन में 60% हमारा काम हो चुका है, वो सिगरेट है, इसलिए हम इंजन नहीं दिखाना चाहते हैं अभी। आपको मिलवाते हैं धर्मेंद्र जी से और क्या कुछ कहते हैं धर्मेंद्र जी, आपको रूबरू कराते हैं। धर्मेंद्र जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आप अमरजीत पासवान के दोस्त हैं जी। आप लोगों की वीडियो पूरा छा गया है एकदम YouTube पे और हर जगह देखने को मिल रहा है। हाँ। लोगों का रिएक्शन अच्छा बुरा दोनों आ रहा है। जब भी आप कहीं जाते हैं आसपास, लोग तो पहचान जाते होंगे? लोग तो हम लोग को पहचान ही लेते हैं, चेहरा बांध कर भी चलते हैं फिर भी लोग किसी भी तरह से हम लोग को पहचान लेते हैं, क्योंकि इतना वीडियो वायरल हो चुका है हम लोगों का। बाल और दाढ़ी बढ़ाने का क्या राज है? बाल और दाढ़ी, ये जब तक हम लोग इसको उड़ाएंगे नहीं तब तक ये बाल और दाढ़ी कटाएंगे नहीं। आप और अमरजीत जी दोनों? क्यों अमरजीत जी? जी सर, मतलब जब तक हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा तब तक बाल और दाढ़ी नहीं कटवाएंगे? जी हाँ। ये आइडिया जो है हेलीकॉप्टर का जी, पहले आपको आया या अमरजीत जी? नहीं, अमरजीत जी को। अमरजीत जी को जी। अमरजीत जी कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, बहुत 15-20 हज़ार तक पैसा आया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमरजीत के दोस्त के अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा आया हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। जनता एक बार आपसे 100% जानना चाहेगी कि अमरजीत लंबे समय से जी कहते आ रहे हैं कि मैं जहाज़ उड़ाऊंगा, मैंने बना ली है तो मैं उड़ाऊंगा ही, 2021 में 100% जहाज उड़ेगा? जी 100% है, 2021 में हमारा जो जहाज़ है, हेलीकॉप्टर है, वो 100% है कि उड़ेगा, यानी कि जनवरी फरवरी तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा 2021 में। ये जनवरी फरवरी तक अमरजीत जी का कहना है कि ये जहाज़ को उड़ा सकते हैं। अमरजीत जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मैंने हेलीकॉप्टर बनाया है तो उड़ाएंगे भी, ऐसा अमरजीत पासवान का कहना है जी। लोग जानना चाहेंगे कि हेलीकॉप्टर आपने बना दिया, चलो ठीक है, उड़ा भी देंगे ये भी ठीक है, हेलीकॉप्टर जब उड़ जाएगा तो हेलीकॉप्टर का चर्चा ख़त्म जी, उसके बाद अमरजीत पासवान क्या करेंगे? बस करेंगे क्या, जो अपना गवर्नमेंट है जो उसका मतलब व्यवस्था देगी हमें, और बोले भी हैं DM साहब से बात भी हुए, तो वो बोलेंगे उसका चर्चा निकाला जाएगा, उसका बात किया जाएगा, पहले तो इस हेलीकॉप्टर को उड़ाया जाए। मतलब ये तो हेलीकॉप्टर की बात हो गई, उसके बाद इस तरह का जो इंजन आपने डाला है उसमें ना बैटरी लगेगी, ना फ्यूल लगेगा, ना सोलर लगेगा, तो फिर भी हेलीकॉप्टर उड़ेगा, लेकिन इसके बाद हेलीकॉप्टर उड़ जाने के बाद अमरजीत पासवान कुछ और बनाएंगे? जी ज़रूर बनाएंगे। आगे क्या प्लान है? जी देखिए, पहले इसको हम उड़ा लेंगे, बना लेंगे, जब जो हमारा जो गवर्नमेंट है हमें मतलब इजाज़त देगा
तो हम इससे भी बढ़िया जो अपने बिहार के लिए बहुत सारे आप लोग देखते होंगे कि मतलब जो मरेजी लोग हैं वो काफ़ी समय से नहीं हॉस्पिटल में पहुंचते हैं लोग, तो मतलब डेड कर जाते हैं लोग रास्ता में, तो उनको भी ऊपर हमने मतलब हमारा धर्मेंद्र जी का कहना ये कि अपने मतलब देश के लिए ये एम्बुलेंस एयरलाइंस मतलब बनाया जाए हेलीकॉप्टर जो भी वो भी उड़ कर जाए और हॉस्पिटल के पास। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है कि अगर मेरा हेलीकॉप्टर सक्सेस हो जाता है तो हम एयर एम्बुलेंस भी बनाएंगे जी, जो मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह हाँ। मतलब हवाई सफर करके पहुंचा देगा जी। जी, अमरजीत पासवान इस चीज़ को ज़रूर बताएं कि अगर हेलीकॉप्टर सक्सेस हो जाता है जी। तो क्या कार वार के लिए भी इस तरह का इंजन बना सकते हैं आप? जी सर, हम बना सकते हैं, मगर अभी क्या है कि अभी पहले इसको उड़ाने दीजिए, उसके बाद जो अब ऊपर से आदेश आएगा तो अगर ये जिस तरह रास्ता मिलता जाएगा उस तरह हम बनाते जाएंगे। मगर ये जो मोटरसाइकिल में बनाकर लगाते हैं, कार में भी लगाते हैं, बस में भी लगाते हैं, तो ये काम करेगा हमारा इंजन। मतलब ये इंजन कार में, बस में, अमरजीत पासवान का कहना है कि ये इंजन उसमें भी काम करेगा। तो दोस्तों, ये थे अमरजीत पासवान और उनकी टीम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।